एसडी मुनि साहब, इसी कड़ी में एक तरफ हम भारत की डिप्लोमेसी की चर्चा कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भारत कितना मजबूत है, कैसे साउथ ग्लोबल की आवाज बन रहा है, कैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत की अध्यक्षता में आ गया, दूसरी तरफ इसे पाखंड जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं, बड़ा सा एक उन्होंने लेटर लिखा है, एक बड़ा सा बयान उन्होंने जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप पृथ्वी की बात कर रहे हैं, आप जल जंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में आप इस तरफ ध्यान नहीं देते। ये G20 में आपका ये जो आयोजन है, ये एक पाखंड है, क्या ये शब्द सही है ऐसे वक्त में? जी देखिए, मैं आप गलत आदमी को गलत सवाल पूछ रही हैं। मैं आंतरिक राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ और उसमें ना किसी व्यक्ति विशेष को ना किसी पार्टी के बारे में कुछ भी कहना चाहता हूँ। लेकिन जो त्रिपाठी जी ने बयान दिया था, मैं वैसे त्रिपाठी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, सभी बातें उनकी मानता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न है, अगर भारत नाम बदलना है तो शुरू से क्यों नहीं किया गया? इसी घटना पे, इसी मौके पे इसकी क्या जरूरत आ गई? ये सरकार पिछले 9 साल से यहाँ पर है और अगर ये इसका इरादा है तो इसीलिए सवाल उठते हैं, इसीलिए लोग उठाते हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे राहुल गांधी या कांग्रेस को पक्ष देने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये सवाल उठता है कि एकदम से ये क्या हुआ? इसके पहले न कोई घंटी बजी, न कोई सचेतक संदेश दिया गया, ये एकदम से क्या हुआ? तो ये ठीक नहीं है। अगर राजनीति नहीं करनी है तो ऐसे ऐसे कदमों को भी अलग रखना चाहिए, खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय घटना पर। मैं आपसे ये समझना चाह रही थी एसडी मुनि साहब, सियासत पर चर्चा आज हमें भी नहीं करनी चाहिए और चर्चा हम कर भी नहीं रहे, लेकिन जहन में जो एक प्रश्न आया वो ये कि जब वर्ल्ड लीडर्स हमारे देश में आ रहे हैं, जब महाशक्तियों का मिलन हमारे देश में हो रहा है, गलत शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। आई एग्री विद यू, जो आपने कहा ना पाखंड वाखंड का, ये सब बचपना है, छोटापन है। अगर हम छोटे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो अपना ही छोटापन दिखाते हैं किसी और का, ये बात सही है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी पिछले कुछ सालों से बहुत बदल गई है और मैं उसमें मुझे वो दलदल लगता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं पॉलिटिक्स पर आपसे कमेंट चाह भी नहीं रही सर, मैं बस इतना आपसे जानना चाह रही हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी क्या बाहर से आने वाले लोग नजर रखते हैं, क्या इससे भी कोई इमेज बनाई जाती है किसी भी देश की, या जो इमेज बन रही है उस पर डेंट लग सकता है? नहीं, बराबर बनाई जाती है। देखिए, जो भी विदेशी लोग यहाँ आएंगे, वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्फ्रेंस का माहौल है, उस पर ध्यान रखेंगे, लेकिन कानाफूसी करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊं इसमें, क्योंकि ये राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है। जी जी, ओबामा जब दूसरी बार भारत आए थे तो उन्होंने अपने आखिरी भाषण में हमारे यहाँ पर रिलीजियस यूनिटी की बात कही थी। जो US की कांग्रेस है वो साल दर साल रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजियस यूनिटी की बात करके हिंदुस्तान का नाम उछालता है और दूसरे कंट्रीज का नाम भी उछालता है। इसीलिए हम देखिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग शीशे के दरवाजों में, शीशे की दीवारों में बैठे हुए हैं। ये समझना कि जो हम कर रहे हैं यहाँ पर वो किसी और को पता नहीं लगेगा या और लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ये भ्रांति है। दुनिया, हम भी करते हैं, हम नजर करते हैं। देखिए, मैं नेपाल पे बहुत कुछ लिखता हूँ और जब कभी उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे मेरा कोई कमेंट आ जाए तो नेपाली लोग बहुत नाराज होते हैं कि आप ये ना इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे। ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन है। हम लोगों को, खास तौर से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ये हक है कि हम अपने देश को भी देखें, दूसरों को भी देखें, और जैसा उचित दिमाग में आए उसमें अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे, लेकिन उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से रोक नहीं सकता कोई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।